जनपद संभल के चंदोसी में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर पाया आग पर काबू। लगभग 30 से 40 हजार रुपए का गत्ता व कबाड़ हुआ जलकर राख। जनपद संभल के चंदोसी में केतल गेट स्थित पुराने गत्ता प्लास्टिक इत्यादि के कबाड़ के गोदाम में देर रात लगी अचानक आग से गोदाम स्वामी नवल किशोर का हजारों रुपए का कबाड़ जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दमकल प्रभारी चंदोसी खुशनूर हुसैन ने बताया कि गोदाम में देर रात आग लगी, हमें सूचना मिली, हमारी पूरी टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाया और गोदाम में तरल पदार्थ नहीं था, कुछ खाली ड्रम वहां थे और आग लगने का कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है, जांच की जा रही है। मैं प्रभारी फायर सर्विस खुशनूर हुसैन चंदोसी। हाँ चंदोसी, जो रथी गोदाम में आग लगी थी वहाँ आप लोग पहुँचे और आपने आग पर काबू पाया, क्या मामला है वहाँ पे? ये हमें लगभग 6:07-08 पर हमें इसकी आग की सूचना प्राप्त हुई। हम यहाँ से अपनी पूरी यूनिट को लेकर के वहाँ पर पहुँचे। ये मोहल्ला कैथल गेट नाले के पास में एक नवल किशोर हैं, नवल किशोर सनौ राजा राम गुप्ता, ये उनका एक रद्दी का गोदाम है, उसमें प्लास्टिक के ड्रम जो ये पशुओं को चारा वारा काट के खिलाते हैं उसमें वो बनाते हैं उससे, और ये रद्दी खाली प्लास्टिक की बोतलें, ये प्लास्टिक जो चारपाइयों बुना जाता है वो, इस तरीके के सामान थे वहाँ पे। बाकी कोई वैसी चीज़ मुझे उसमें कुछ नहीं दिखाई दी। बताया जा रहा है तरल पदार्थ वहाँ पे था, कुछ इस तरह की जानकारी आ रही है? नहीं, वहाँ पे कोई तरल पदार्थ नहीं था। जानकारी में ये आया है कि इनका कहीं परसट्टा बाज़ार में कोई दुकान है, परसट्टा बाज़ार में इसकी कोई इनकी पहले से दुकान है, इनका बता रहे थे, एक इनका लाइसेंस भी है। मैंने पब्लिक से वाले से भी पूछा और मैंने स्वयं भी पहले आग जब बुझा रहे थे उस टाइम पर निरीक्षण करा, हमारे CFO महोदय थे प्रताप सिंह, उन्होंने भी निरीक्षण करा। मैं फिर दोबारा से स्वयं फिर दोबारा से गया, फिर दोबारा से देखा और मैंने खुद देखा, पब्लिक से भी पूछा, आसपास के लोगों से भी पूछा, तो किसी ने इस चीज़ की पुष्टि नहीं की कि यहाँ पर कोई तरल पदार्थ था या इसकी बिक्री होती है। इनकी दुकान एक परसट्टा बाज़ार में है जो तेजाब बेचते हैं, कहीं से बाहर से मंगाते हैं और बेचते हैं, वो वहाँ पर है। यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कबाड़ा है और रद्दी की, ये कबाड़ा में भी रद्दी की है, प्लास्टिक के ड्रम है, प्लास्टिक की बोतलें हैं, ये चटाई वगैरह की, ये इस तरीके की ये प्लास्टिक है, बाकी आपत्तिजनक कोई सी चीज़ नहीं है। आग लगने का क्या कारण बताया जा रहा है? आग लगने का भी अभी उसकी जांच चल रही है, क्योंकि इसमें बिजली का कनेक्शन मैंने देखा तो बिजली का कनेक्शन कटा हुआ था, तो बिजली से शॉर्ट सर्किट से तो प्रतीत होता है कि नहीं हुई, कहीं और किसी वजह से हुई होगी, अभी ये स्पष्ट नहीं है कि किस तरीके से आग लगी है, इसकी ये जांच चल रही है, जांच के उपरांत ही बताया जा सकता है कि आग कैसे लगी है। लगभग कितना नुकसान मान रहे हैं आप? लगभग नुकसान तो ये कबाड़ के हिसाब से लगभग ऐसे ही 30-40 हजार का लगभग में होगा अनुमानित, इतना हो सकता है।